नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा अग्रवाल है। मैं साईं सुब्दा हॉस्पिटल बरेली में एंडोक्राइन क्लिनिक रन करती हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम यानी हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स के अनियंत्रित होने के कारण उससे जुड़ी समस्याओं की बीमारियों का सिस्टम है। ये मेडिकल फील्ड उन सभी हॉर्मोन से जुड़ी बीमारियों के बारे में है जिनके कारण शरीर में लंबाई का कम रहना, लंबाई अधिक होना, वज़न ना बढ़ना या वज़न का ज़्यादा बढ़ना, शुगर का अनियंत्रित रहना, बच्चों में पैरों की हड्डियों का टेढ़ापन, हड्डियों का बार बार टूटना, बिना चोट लगने के कारण भी हड्डियों का टूटना, इन सभी प्रकार की बीमारियों से संबंधित मेडिकल ब्रांच है। हम बहुत प्रकार की हॉर्मोन से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन पाई जाने वाली हॉर्मोन से संबंधित बीमारी है डायबिटीज़। इसके कुछ आम लक्षण होते हैं, जैसे बहुत तेज़ी से वज़न का कम होना, बार बार प्यास या भूख लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब आना या बार बार खाने खाने की इच्छा होना। अगर ऐसी कोई भी समस्या या लक्षण आपको लगते हैं तो हो सकता है आप डायबिटीज़ से ग्रसित हों और आपको एक हार्मोन स्पेशलिस्ट से परामर्श करने की आवश्यकता है। डायबिटीज़ के बाद दूसरी सबसे कॉमन बीमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोन से संबंधित होती है उसका नाम है थायराइड। थायराइड का कम या ज़्यादा होना दोनों ही शरीर के लिए खराब होते हैं। थायराइड के कम होने के कारण शरीर में सुस्ती रहना, बालों का झड़ना, शरीर में रूखापन रहना, ऐसे तमाम लक्षण आपको दिख सकते हैं। थायराइड का अधिक बनने से तेज़ी से वज़न कम आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, ऐसे कुछ लक्षण आपको दिख सकते हैं। बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड या हार्मोन से संबंधित बीमारियों के बारे में जानने के लिए आप साईं सुब्दा हॉस्पिटल के यूट्यूब या इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम हार्मोन से जुड़ी हुई अलग अलग बीमारियों के बारे में उनको पहचानने के लिए अलग अलग वीडियोस को अपलोड करेंगे। स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स जो आपको दिख रहे होंगे उन पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ऐसे कोई भी लक्षण हैं जो हार्मोन से जुड़ी बीमारियों का प्रतीक हो सकते हैं। थैंक यू।